ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो ये पीसी कैमरा है, इतना क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि कम मेगापिक्सल का। कोई बात नहीं, जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि डाइट और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क है। मैंने अपने पास एक बुक में जो लिख लिया है, मेन मेन पॉइंट है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक देखते रहिए डाइट और प्राइवेट कॉलेज में फ़र्क क्या क्या है। सबसे पहला फ़र्क होता है फीस का। जो फीस का अगर आपको देखना है कि फीस कितनी है BSTC करने की, फर्स्ट ईयर की कितनी है, सेकंड ईयर की कितनी है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। वहाँ मैंने वीडियो बना रखा है फीस के बारे में कि फीस कितनी लगती है। अब बात करते हैं कि जो फीस लगती है वो गवर्नमेंट कॉलेज जितनी ही फीस लेगा उतनी लगती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। 2,500 की DDMC करती है, जो हर कॉलेज में, किसी में 2,000 की, किसी में 3,000 की DDMC करती है। डाइट कॉलेज की डेवलपमेंट शुल्क होती है, वो तो वो अलग अलग होती है। तो वो आपको लगभग हर कॉलेज में अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो फीस है जो आपसे टोटली ली जाती है वो डाइट में जितनी है उतनी फीस आपसे ली जाएगी। लेकिन जो वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये या 10,000 तक, मान लो 5 से 10 हज़ार का फर्क आ जाता है, ज़्यादा ली जाती है। फिर जो फीस ली जाएगी आपको उसकी बकायदा रसीद तो दी जाएगी। फिर बात आती है रेगुलर जाना। डाइट जितने भी कॉलेज है, हर जिले में एक कॉलेज मिल जाएगा डाइट का, एक कॉलेज होता है। तो डाइट में आपको रेगुलर जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई काम है तो आप वहाँ पर छुट्टी ले सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। ऐसा ये आपके साथ कोई बंदिश नहीं है कि आपको जरूरी आना है, लेकिन आपको वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज, कुछ कॉलेज, बहुत कम कॉलेज है जिनमें आपको छुट्टी चाहिए होती है तब मिल सकती है, बाकी रेगुलर सब में है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे दिन का, 15 रुपये, एक दिन नहीं आए तो 15 रुपये, एक दिन नहीं आए तो 10 रुपये, किसी कॉलेज में 20 रुपये चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज है अलग अलग कॉलेज में अलग अलग उनके हिसाब से लिया जाता है, उनके रूल्स के हिसाब से। तो ऐसे कॉलेजों से बिल्कुल बचें। फिर है कैंटीन सुविधा। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें लगभग सब में कैंटीन सुविधा होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कैंटीन सुविधा नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्का कॉलेज हो सकता है जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कैंटीन सुविधा मिल सकती है। बाकी आपको जो लंच ब्रेक होगा या आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आपको कॉलेज के बाहर जाना पड़ेगा, यानी कॉलेज के सामने कोई थड़ी वगैरह, चाय की छोटी सी होटल वगैरह, ऐसा कुछ तो वहाँ देखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात करते हैं हम, डेली क्लासे लगती है डाइट में आपके, जो है डेली क्लासे लगेगी क्योंकि वहां पर आपको पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टीचर होते हैं। और वो गवर्नमेंट टीचर का काम यही होता है कि आपकी जो टाइम से टाइम आपकी क्लासे लगे और आपका सिलेबस हो, सिलेबस के बाद आपका रिविजन भी वो करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइवेट में डेली क्लास है वहां भी लगती है, ऐसा ये नहीं है कि प्राइवेट में नहीं लगती है गवर्नमेंट में लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जगह डेली क्लास है तो लगती है। फिर डिपेंड करता है आप कॉलेज कितनी बार जाते हो। उसके बाद है टॉपर्स के साथ पढ़ना बैठना और उनके साथ दोस्ती। अगर आप डाइट में आपको एडमिशन मिलता है, आप डाइट कॉलेज लेते हो, तो जो वहां पर जो पूरे राजस्थान के ऑल ओवर टॉपर्स होते हैं, क्योंकि एक जिले में एक डाइट होता है, बाकी 10-15 प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि मुझे डाइट कॉलेज मिले, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ताकि मुझे जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी अच्छी मिले, फीस भी कम लगे। तो जो टॉपर्स के साथ अगर आपका डाइट में डाइट कॉलेज है तो उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, उनके साथ दोस्ती होगी, हो सकता है आप खुद एक टॉपर्स रहो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जिनका डाइट नहीं मिल पाती उनको प्राइवेट कॉलेज मिलती है, बाकी हर कोई चाहता है कि मुझे डाइट मिले। तो कुछ थोड़े से नंबर का फर्क आ जाता है डाइट के स्टूडेंट और प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स में। अब बात करते हैं कि हॉस्टल की सुविधा। देखिए प्राइवेट कॉलेज में आपको हॉस्टल बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो बात करते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज की, उनमें लगभग आधे से ज्यादा कॉलेज में हॉस्टल है, और उनका जो फीस है वो महीने का 400-500 रुपये फीस होगी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट क्लास व वर्चुअल क्लास है। जहाँ तक सारे डाइट हैं उन सब में स्मार्ट क्लास है, वर्चुअल क्लास भी है। तो महीने में एक दो क्लास आपकी स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लास की लग जाती है, जहाँ सीधा प्रसारण जयपुर से या उदयपुर से किया जाता है। तो वहाँ से आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल मिलता है, कुछ पढ़ने के कुछ अच्छे अनुभव मिलते हैं जो सिर्फ डाइट में होते हैं, ये प्राइवेट में इसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं
प्राइवेट कॉलेज का लीडर डाइट है, यानी जो लीडरशिप है इन कॉलेज की वो डाइट करता है। यानी कोई भी अगर सूचना बीकानेर से आ रही है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अगर कोई भी नोटिस जारी करता है, कोई भी सूचना जारी करता है, तो सबसे पहले वो ईमेल के जरिए और पोस्ट के जरिए सीधी डाइट में पहुंचाएगा। उसके बाद जो सूचना है वो डाइट से प्राइवेट कॉलेज वाले ले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एनुअल फंक्शन, जो अनुनाद होता है वो सिर्फ डाइट में होता है, और डाइट अपने जिले के अंडर में जो जो कॉलेज होते हैं उन सबको उस अनुनाद में इनवाइट करता है कि पार्टिसिपेट करो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे। तो ये लगभग जितने कॉलेज हैं उन सबको इनवाइट करते हैं, और ये वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, अनुनाद जिसको कहते हैं, वो लगभग 3 दिन चलता है। फिर बात करते हैं रिजल्ट की, जो रिजल्ट रहता है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, वो डाइट का अच्छा रहता है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर सरकारी टीचर पढ़ाता है और जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से उनको मालूम हो जाती है कि किस प्रकार हमें पेपर देना है, किस प्रकार स्कोर करना है। और जो बच्चे हैं पहले से ही वो डाइट के इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका जो रिजल्ट रहता है वो स्वाभाविक है कि थोड़ा बेटर रहेगा मुकाबले दूसरे कॉलेजों के। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी किसमें जल्दी मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरकारी नौकरी कौन से कॉलेज में हमें मिलेगी। तो ये ऐसा फर्क कोई नहीं है, आप चाहे डाइट में पढ़ो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, सरकारी नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप रीट थर्ड ग्रेड लेवल में, आप रीट लेवल फर्स्ट में थर्ड ग्रेड टीचर में आप नंबर अच्छे लेके आओ तो आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको सरकारी जॉब मिलेगी। बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको अगर डाइट मिला है तो आपको सरकारी जॉब जल्दी मिलेगी। डिपेंड करता है आपकी स्टडी पर, आपकी स्टडी कैसी है, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे तो उसी के अनुसार आपको जॉब मिलेगी। तो ये वीडियो था बीएसटीसी और प्राइवेट कॉलेज दोनों में डिफरेंस के बारे में, दोनों में क्या क्या अंतर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बंद कहाँ से हुआ।